बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आजकल डॉलर का और आज का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा भाई वो शेयर कर दूंगा। मैं अभी दोनों मोबाइल इसलिए मैंने अपने पास रखे हुए हैं, कुछ आप भाइयों के साथ एक दो बातें शेयर करनी थी इसी से रिलेटेड कि भाई रियाल हमें अभी हाल ही में, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, ये सिर्फ 3 से 4 दिन पहले की बात है कि भाई ने मुझसे रब्ता किया। बेशुमार ऐसे भाई हैं जो रब्ता करते हैं, लेकिन ये आपको मैं 2-3 दिन पहले की बात सुना रहा हूँ। मैं तो वैसे आज भी एक ने मुझसे रब्ता किया और 2,35,256 रुपए भेजे उसने पाकिस्तान, और मुझे वो रेट बता रहे थे साथ में पूरी डिटेल इंजाज बैंक का। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता था कि 2-3 दिन पहले के भाई ने रब्ता किया, 20,000 रियाल और 20,000 दरहम उनके पास थे। शायद मैंने आपको उनका मैसेज भी सुनाया था किसी वीडियो में, भाई मेरे पास 20,000 रियाल और 20,000 दरहम है। दरहम मैंने आपके कहने के ऊपर रियालों के या मुतबादल लिए, और वो इसलिए मेरे कहने के ऊपर कि पाकिस्तान में मार्केट तेज़ है दरहम की। तो मैंने बोला अभी बिल्कुल ठीक है, मुझसे पूछ रहे थे कि अभी मैं रोकूं इनको को यहाँ से भेजूं या पाकिस्तान जब आ रहा हूँ उस टाइम साथ लेकर आ जाऊँ, तो पाकिस्तान में रेट मुझे पता चला है कि 72-75 है। नंबर एक तो ये कि मैं बात आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रहा था कि ओपन मार्केट का जो रेट इस वक्त पाकिस्तान में है भाई 73.20 रुपए से लेकर 73.50 रुपए के अराउंड में पाकिस्तान ओपन मार्केट हो चुकी है, जो कि रोज़ तेज़ हो रही है, रोज़ तेज़ हो रही है। कोई बंदा अगर ओपन मार्केट में बैठा हुआ आपको इससे कम रेट दे रहा है तो मत एक्सचेंज करवाएं। प्राचा एक्सचेंज वाले को आप पास चले जाएँ, रावी एक्सचेंज वाले के पास चले जाएँ, HBL एक्सचेंज वाले के पास चले जाएँ, वेस्टर्न यूनियन के पास चले जाएँ, ये सभी रियाल एक्सचेंज करते हैं या करेंसी एक्सचेंज करते हैं, आप इनसे जाकर करवा लें, आपको रेट अच्छा मिल जाएगा। 2 दरहम के मतलब आपको बता दूँ मैं, भाई ने 20,000 दरहम लिए रियालों के मुतबादल, तो भाई दरहम का इस वक्त 73.30 रुपए आज का रेट शो हुआ है, मुझे पता चला है पाकिस्तान से, ये कन्फर्म है 73.30 रुपए। ठीक है, एक एक मैं एजेंट का आपको बता रहा हूँ, इसमें 10-20 पैसे का आगा पीछा हो सकता है अगर आप मुख्तलिफ एजेंट घूमेंगे पाकिस्तान में। अच्छा, 73.30 रुपए रेट पता चला है जी मुझे रियाल का है, और 75.25 रुपए दरहम का रेट पता चला है आज मुझे। अच्छा, आप दोनों में डिफरेंट देख लें कितना है भाई, 2 रुपए का डिफरेंट है दोनों में, रियाल और दरहम में। अगर कोई एक ये भाई साहब अभी 20,000 दरहम लेकर जा रहे हैं सऊदी से, ठीक है, तो भाई कितने बन रहे हैं पाकिस्तान में, इनको कितना फ़ायदा हो रहा है, तकरीबन 40,000, हो सकता है 40 से भी बढ़कर फ़ायदा हो जाए, यानी कि अगर वो 20,000 दरहम लेकर जा रहे हैं यहाँ सऊदी से, 40 से 50,000 रुपये उनको डेफिनेटली बात है फ़ायदा हो रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान में दरहम की मार्केट भाई तेज़ है। ये तो होगी ओपन मार्केट की बात जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो आपको 72, 75, 73 भी बोल रहा है ना, वो झूठ बोल रहा है, वो लूट रहा है, सीधी सिंपल बात है। इस वक्त 73.20-73 रुपए से लेकर 73.50 रुपए के राउंड में ओपन मार्केट का रेट है। अगर आने वाले वक्त के मतलब बात करें, मिसाल के तौर पर क्योंकि मेरा परदेसी भाई भी ये सोच रहा है कि मैं 2-4-6 माह के बाद छुट्टी जाने वाला हूँ, अभी 500-1,000 रियाल करके जमा करता रहूँ, तो भाई करते रहें, डेफिनेटली बात है आपको जब आप जाएंगे लास्ट टाइम, तो मेरी ये बात आज की याद रखिएगा, खुद ही देख लीजिएगा आपको कितने 1,00,000 रुपए का फ़ायदा होता है। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं आज के रेट के मतलब, तो वैसे एक बम है जी, बम क्या मैं बोलूँगा, पाकिस्तानी बम के ऊपर गिरा दिया गया है रात का, और वो आप शायद मैंने आपको दिखा रहा हूँ या बता देता हूँ, चलो 4.5 रुपए, ये 4.56 रुपए पेट्रोल और डीजल भाई 8 रुपए प्लस में। यार आप मुझे तमाम परदेसी भाई, मैं आप माजरत हूँ आपके चंद सेकंड ले रहा हूँ, आप तमाम परदेसी भाई यहाँ डीजल का क्या रेट है सऊदीया में भाई, डीजल का रेट क्या चलता है, डीजल का रेट इस वक्त चलता है सऊदीया में भी, अगर मिसाल के तौर पर पेट्रोल 2 रियाल है या 2.5 रियाल है, हम रेड की बात करें तो डीजल 55 हलाले, 60 हलाले, 65 हलाले में, ये 65-60 हलाले वो ऊपर वाले एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, जजान से ऊपर वाले एरियाज़ की, तो वैसे 55 हलाले आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई रोड के ऊपर होगा तो यही रेट लगाएगा, वरना इससे भी 1-2 हलाले कम ही लगाएगा। तो डीजल के ऊपर भाई मुआशियत चलती है, डीजल के ऊपर मुल्क चलते हैं, तो डीजल का बम गिरा है, मैं सीधी बात करूँ तो 8.5 रुपए तक, तकरीबन 8 रुपए प्लस में पाकिस्तानी आवाम के ऊपर, और इसका असर किसके ऊपर होगा यार, गरीब तबके के ऊपर होने वाला है इसका असर, जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान में बैठे हुए उनके ऊपर क्या असर होगा, और हम जितने भी परदेसी भाई हैं, हम भाई मिड क्लास के हैं, हमसे कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं है, अगर होता इतने हम तो हम पाकिस्तान में अपना ही कुछ करते फिर, ठीक है, हाँ हम मिड क्लास के, हम परदेश में आते हैं कमाते हैं, अगर पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, वैसे सोचने वाली बात है, रियाल का रेट और डॉलर का रेट, डॉलर छोड़ते डॉलर से हमारा कोई
लेन देन नहीं है। चलो रियाल का रेट ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा, रियाल का रेट वहीं का वहीं रुका हुआ है। हाँ आज कुछ मुझे बेहतरी देखने को मिली, कुछ कुछ, लेकिन अगर महंगाई की यही सूरत हाल रही तो भाई फिर रियाल, तो रियाल का यही हाल रहा तो हमारे लिए भी फिर बुरी बात ही है, हमारे ऊपर भी असर होगा इस चीज़ का। वैसे मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में इस जिक्र का जिक्र करता हूँ कि जो परदेसी भाई हैं, चाहे को दुबई में कमाता है, चाहे को सऊदीया में कमाता है, चाहे को डॉलर दरहम भाई दिनार या कोई रियाल जो भी कमाता है ना, उसके ऊपर पाकिस्तान में होने वाली महंगाई का असर नहीं होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब भी पाकिस्तान में महंगाई उसी टाइम होती है जब ये जो करेंसी होती है डॉलर रियाल कोई भी है ये अप होती है। जब डॉलर अप होता है तमाम करेंसी अप होती है तो पाकिस्तान में महंगाई होती है। तो ये सूरत होती है अगर रियाल अप ना हो और पाकिस्तान में महंगाई होती है तो फिर हमारे ऊपर भी उस चीज़ का असर होगा, जो कि मेरी समझ से दोबारा पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन रियाल कुछ ना कुछ तो करेगा जैसे कि काम स्टार्ट हो चुका है। बहरहाल आज के रेट के मतलब बात करें तो भाई एक्सचेंज रेट आज का रखा 74 रुपये 28 पैसे, ये एक्सचेंज रेट है सऊदीया का। इंडिया भाई 22-24, बांग्लादेशी टका 29 टके 25 पैसे। अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात कर लेते हैं, इनमें टैली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करें तो भाई इनका आज का 73 रुपये 28 पैसे और 10, 17 और 23 रियाल इनकी फीस होती है। मनीग्राम की बात करें तो भाई आज का रेट 73 रुपये 27 पैसे रहा और 10, 17 और 23 रियाल इनकी फीस है। ये बैंकों के रेट आपको बता रहा हूँ मैं, इसमें 5-10 पैसे का आगे पीछा हो सकता है, वरना यही रेट होंगे इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान में अगर मिसाल अभी यहाँ से एक बंदा भेज रहा है भाई 73 रुपये 20-30 पैसे में, तो पाकिस्तान उसको भाई 72.5 में एक्सचेंज करवाने की क्या ज़रूरत है। वो ईद के दिनों में कुछ लूटमार चली हुई थी, मैंने आपको बोला भी था मत एक्सचेंज करवाइएगा, ईद के बाद एक्सचेंज करवाइएगा, तो अभी रेट तेज़ हो रहा है ओपन मार्केट में। बहरहाल वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो भाई इनका आज का रेट 73 रुपये 46 पैसे रहा और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर STCPA की हम बात करें तो इनका रेट आज का 73 रुपये 23 पैसे है और 10, 17 और 23 रियाल भाई इनकी भी फीस है। फौरी बैंक बैंक जजीरा की अगर बात करें तो भाई इनका आज का रेट 73 रुपये 55 पैसे और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है, अच्छा रेट दे रही है। क्विक पे से अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो क्विक पे का भाई आज का रेट है 73 रुपये 32 पैसे और 10, 17 और 23 रियाल फीस। अगर आप फ्रेंडी के थ्रू भेजना चाहते हैं तो फ्रेंडी 73 रुपये 26 पैसे और अगर आप इंजाज बैंक से भेजना चाहते हैं, वैसे जो मैंने आपको बताया ना आज भाई ने 2,35,256 रुपये पाकिस्तान भेजे हैं वो इंजाज बैंक से भेजे थे, मुझे मैं कैलकुलेट करके देख रहा था इंजाज का जो रेट, मैं अभी आज का जो रेट है ना वो 73 रुपये 28 पैसे आया यहाँ पर और उन्होंने जो कल भेजे हैं वो 73 रुपये 22 पैसे रेट लगा था। आप एक दिन में 6 पैसे का इजाफा हुआ है रियाल में, शायद इंजाज बैंक में, शायद हो सकता है जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उस टाइम तक 10-20 पैसे तक का इजाफा हो चुका हो। तो रेट में इजाफा हो रहा है जी बैंकों में भी, तमाम परदेसी भाई वीडियो के लास्ट में आपको ये बोलूँगा अगर तो आप चंद दिन वेट कर सकते हैं तो कर लें, फायदा हो जाएगा। हाँ अगर पाकिस्तान में कोई मजबूरी है तो आप अभी भी भेज सकते हैं, और अगर कोई मेरा परदेसी भाई आने वाले भाई चंद दिनों में, चंद महीनों के बाद भी छुट्टी आ रहा है और उसके पास इजाफी यानी कि घर पैसे भेजकर इजाफी पड़े हुए हैं तो यहीं पर सेव करें, यहीं पर सेव करके रखें, जाते समय अपने साथ लेकर तो हमने पाकिस्तान ही जाने यार, अभी भेज दें या 2-4 मंथ के बाद ही ले जाएं, लेकर तो पाकिस्तान जाने, हमने कौन सा इंडिया ले जाने हैं, तो उस टाइम अपने साथ ले जाइएगा। ओपन मार्केट भी तेज़ होगी, रियाल के रेट में भी अच्छा खासा इजाफा होगा मेरे नज़दीक, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला परदेशियों को लाखों का फ़ायदा हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, दरहम वाला बंदा जिसने 20,000 दरहम मुझे बोल रहा था मैंने आपकी वीडियो देखी भाई और ले लिए, अभी पाकिस्तान में जब वो दरहम लेकर आएगा तो 40,000 का उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि दरहम मार्केट रियाल की निस्बत 2 रुपये तक तेज़ होती है पाकिस्तान में।